लोगों का बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन अभी प्रश्न साधु लोग हमारे घर में किस लिए आ गए, इसका क्या कारण है? क्या लेने के लिए ना कुछ देने के लिए? कहते हम कुछ देने के लिए आते हैं। कहते हमें क्या देंगे? अभी तो हम लोग भोजन कराएंगे, प्रणाम भी देते हैं, हम वो क्या हमें देते हैं? कहते ये जगत की वस्तु तो हमें देते हैं, लेकिन जो संत लोग हमें परमार्थ वस्तु देते हैं, परमार्थ वस्तु मतलब भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति देते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ आने आने रजत कांचन, कि दूसरा का जो बेटा है ना महापुरुष जो संन्यास लेकर जा रहे हैं भजन करने के लिए, माँ दुखी हो रही है, तो महाप्रभु समझा रहे बोले माँ आने तन्य आने रजत कांचन, मतलब दूसरा का जो बेटा जाते हैं भी काम धंधा करने के लिए क्या लाते हैं? रजत कांचन, मतलब सोने दाने और रुपया पैसा लेकर के आते हैं, लेकिन आमी आई देव माता कृष्ण प्रेम धार, बोले भैया मैं जो वस्तु लाऊंगा ना वो साधारण वस्तु नहीं, भगवान की प्रेम ला दूंगा। बोले खाई ले विनष्ट है नाय पर धर्म, कितने रुपया पैसा लाए दो दिन खाए उस बाद में खत्म है, लेकिन भैया मैं जो ला दूंगा तेरे को ना खाई ले नष्ट नहीं, उसको जितना खाओगे उतना बढ़ते रहेगा उसको, इसलिए मिला कहती है ना दीन दीन बढ़त सब आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए महाप्रभु कहते बोले भैया मैं तुमको कृष्ण प्रेम धन ला दूंगा, जिसको खाने से नष्ट नहीं होगा, जिसको खाने से दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा, वो भगवान का नाम और भगवान की प्रेम है। इसलिए जो साधु लोग हमें जो चीज देने के लिए आते हैं ना, भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति, जिसको द्वारा हम संसार में सुखी रह सकते हैं, जिसको द्वारा संसार में हम सुखी रह सकते हैं, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, कहते राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक रहे गए अछात नहीं अंक रहे दस गुण। देखो बच्चों सब तुम प्रश्न करता हूँ मेरे को उत्तर देना, जैसे एक रखो और सीधा हाथ में एक सुना दे दो कितना होगा? कौन बोलेगा? हाथ में दस, पहले था एक, लेकिन जब उसको एक सुना दे दिया ना दस गुण हो गया, दस हो गया, और एक सुना दो कितना होगा? सौ। पहले था दस, लेकिन जब उसमें एक सुना दे रहे हैं ना वो दस दस गुण बढ़ रहा है। अभी कहते एक को निकाल दो, अभी एक सुना दो कितना रहेगा? और एक सुना दो और एक सुना दो और एक सुना दो। देखो गोस्वामी जी क्या करें, ये चीज को समझ लो, कभी ये सुना किया और एक किया है, कभी जो एक है भगवान की प्रेम है, भगवान की भक्ति, और ये जीरो किया सुना किया बोले संसार, ये संसार शून्य है, आज है कल नहीं, कोरोना में कितना लोग चले गए, अभी कोरोना के डर तुम्हारे लॉकडाउन कर दिया, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए जैसे नदी में देखना जब नदी का पानी बाढ़ आती है ना, कितने उसमें घास भूसा बहते हुए आती है, कभी इकट्ठे हो जाते कभी अलग हो जाते, कभी इकट्ठे हो जाते कभी अलग हो जाते, उसी तरह नदी की प्रभाव से हम बह रहे हैं, कभी इकट्ठे हो जाते कभी अलग हो जाएंगे, अभी इकट्ठे अलग हो जाएंगे। जैसे गाड़ी में टिकट बना करके जाते हो, हैं पास में जो बैठे हुए तुम कहाँ से खूब गप्पे मारते हैं, बोले कहाँ तक? बोले जहाँ तक टिकट बनाओ, टिकट खत्म वहीं से उतर जा। ये संसार में भी हम टिकट बना करके बैठे हुए, जिसका समय आएगा उसको यहाँ से उतरना पड़ेगा, अगर पिता माता है बच्चे का समय आ जाएगा फिर वो भी उसको यहीं से उतरना पड़ेगा, हैं। लेकिन कभी ये जीरो तो जीरो संसार, लेकिन ये जीरो हीरो बन सकता है। बोले हीरो कैसे बनेगा? अगर ये जीरो मतलब संसार को भगवान की भजन में अगर लगा दे तो यही जीरो हीरो बन जाएगा, मतलब पैसा कमाओ, लेकिन क्यों पैसा कमा रहे हो? बोले ठाकुर की सेवा के, पैसा के बगैर लक्ष्मी के बगैर ठाकुर की सेवा कैसे हो, बस हीरो हो गया। लेकिन अगर हम सोचे नहीं पैसा कमा रहे खुद खाने के लिए, वो जीरो है। बोले क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बोले पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे ना, नौकरी करते तो माल आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शादीशुदा कर घर मकान बनाएंगे, इसलिए हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर ये सोचे नहीं बड़े बनकर नौकरी करेंगे पैसा कमाएंगे, पैसा लक्ष्मी और लक्ष्मी ठाकुर की सेवा होगा, बस पढ़ाई सार्थकता हो गया तुम्हारी, पढ़ रहे हो ना, हाँ बढ़िया से पढ़ाई मन लगाओ, ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना। खाना बना रहे, बोले क्यों? बोले ठाकुर को भूख लगी, हवा जीरो हो गया। बोले खाना क्यों? बोले खुद खाएंगे बच्चों को खिलाएंगे, जीरो हो गया, ठीक है ना। इसलिए संसार में जो कुछ उकारो भगवान की भक्ति को साथ में जोड़ करके,
किसी चीज को छोड़ करके नहीं, छोड़ दोगे तो जीरो ही जीरो रह जाओगे, फिर हीरो नहीं बन सकते। आते भाई छोटी सी कहानी सुनो, याद रखना, मैं पूछूंगा बाद में। बोले एक समय कुछ बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो वेलकम, तुम बहुत बड़ा ही हो गए। इसलिए कुछ बच्चे नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे, उसमें कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई डॉक्टर था। जब नाव में चल रहे थे, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, हैं लंबी चौड़ी थी नदी थी। जब बीच दरिया में नाव पहुंच गया, उसमें जो सीए कर रहा था ना, वो नाव वाले से पूछ रहा है, बोले सीए के बारे में तेरे को पता है? भैया सीए क्या होता है? बोले नहीं जानते हो? बोले नहीं। बोले तेरा तो 25 वर्ष का जीवन बिता ही गया। और थोड़ी दूर गया तो डॉक्टर निकल रहा था, बोले तेरे डॉक्टर के बारे में कुछ पता? वो क्या चीज़? बोले नहीं जानते? बोले नहीं। बोले तुम्हारा तो 50% गया, 50% जीवन बिता। और थोड़ी दूर गया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले इंजीनियर के बारे में कुछ जानता? बोले भैया आप तो नाव चला कर 2 पैसा कमा कर पेट पालता हूँ, हमें क्या पता? बोले तेरे तो 75% जीवन चला गया। जब बीच दरिया में नाव पहुँचा, नाव हो गया छः, और उसमें पानी घुसना शुरू हो गया। नाव वाले देखा तो डूबने वाला है, कोशिश किया बंद करने को, बंद नहीं कर पा रहा है। देखा डूब जाएगा नाव अभी। जितने सीए डॉक्टर इंजीनियर थे ना, बोले तैरना आता है तुम लोगों को? बोले नहीं। बोले मेरा तो 75% जीवन है, ये तो बेकार गया, अभी तुम्हारे 100% जीवन बेकार गए, क्योंकि नाव डूब जाएगा, मर जाओगे। अरे मेरे को तो तैरना आता है, छलांग लगाऊंगा, तैरते होके चला जाऊंगा। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, हम भी संसार में बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई सीए बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, लेकिन मीरा कहती भैया भजन बिना नरक की कहे। जैसे एक सब्जी बनाओ, घर में सब्जी बनाते हो, बढ़िया मसाला तेल खूब बढ़िया डालो, लेकिन ऐसे एक चीज सबसे कम पैसा का थोड़ी सी नहीं डालोगे तो खा नहीं सकते। क्या है? नमक। बोलो नमक। नमक, नमक है ना, बढ़िया सब्जी बनाए, खूब घी मसाला, नमक नहीं दिया, पति को परोस फेंक दे, बेकार बनाए, नमक ही नहीं दिया, लेकिन ज्यादा कोई मसाला मसाला नहीं, लेकिन नमक ठीक से दे दिया, रोटी खा लेगा, उसमें रोटी खा लेगा। मीरा कहती है सबसे बढ़िया तुम्हारी है, सब बढ़िया, घर बेटा बेटी छोरा छोरी बढ़िया है, लेकिन मीरा कहती है लेकिन भजन नहीं करते हो। बोले नमक बिना व्यंजन है, जैसे नमक के बगैर जैसे सब्जी बेकार है, कहते भजन का जीवन भी ये जीवन बेकार है, कोई काम में नहीं आएगा। अंतिम समय में बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबकी बात उठा बेटा। जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और तुमने जितने डिग्री पिग्री दुनियादारी अगड़ों बगड़ों में इकट्ठे किए हो, यहाँ से एक सुई धागा तेरे साथ में नहीं जा रहा है। जितने प्रभु का नाम जप किया वही जा रहा है, और कुछ नहीं जा रहे। इसलिए क्या करने चाहिए? प्रभु नाम जप करो, नहा धो करके, स्नान करके, पहले ठाकुर के सामने बैठो, बैठ करके बच्चा, इसलिए माला तो गुरु जी दिए थे ना, किसने दिए? गुरु जी दिए थे, इसलिए जो गुरु जी माला दिए उसको कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। भूखा मतलब है जैसे गुरु जी से माला लिया, अगर एक दिन तुमने माला नहीं जप किया ना, वो सारा दिन ठाकुर जी भूखे रहे, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। गुरुदेव माला नहीं ठाकुर जी को दिए है, इसलिए ऐसे नहीं दिन भर तीन तीन बार खा रहे हो, माला जहाँ कहाँ लटक रहा है। गुरुदेव कहते थे माला को खुद भूखे रह जाओ, खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को भूखे मत रखा करो, माला को रोज जपा करो, क्योंकि माला रूप में ठाकुर जी, और यही अंतिम समय में काम में देगा, और कोई संसार में काम में नहीं देगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं दिन भर टीवी देख रहे हो, गप्पे मार रहे हो, माला की बात बताओ तो बहाना बाजी, समय नहीं, हर दूसरे समय के लिए हमारे सब समय है, ठीक है ना? तुम लोग भी एक एक माला जप करना। ये किस इनकी माता जी कौन है? ये बच्चों की, ये छोरन की माता जी कौन? तो बाहर है, और यही है, ये तुम्हारी है, ये एक और एक दादी है, किसके? तुम्हारी, ये तीन दोनों बच्चे, ये तो करती है माला, ये आती है माला भी करती है, अच्छी बात है। हरे कृष्ण देखो, इसलिए देखो इसमें जो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो उसे तीन नाम है, हरे हरे मतलब क्या है, हमारे सारे दुख कष्ट को जो हर, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल, इधर उधर भटकता है, भजन में नहीं लगता। क्री बोलने पर जो भटकता हुआ मन भटकेगा। स्नान मतलब जो आनंद देता है। राम मतलब जीवन में आराम देता है। अगर ये हरि नाम करोगे ना, तीन फल मिलेगा। क्या मिलेगा? पहला फल ये मिलेगा, दुख कष्ट दूर जाएगा। दूसरा फल क्या मिलेगा? चंचल मन भटकेगा नहीं, आनंद देगा। राम नाम लेते ही आराम देगा, जीवन में शांति सुख आराम देगा भगवान का नाम, अगर ये नाम करोगे तो। है जैसे हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, दिन भर प्रभु का नाम ही जप करते, तभी तो पूजा। जैसे नवरात्रि कर रहे हैं ना, क्यों ये देवी को क्यों पूजा हो रही है? इसलिए किसने क्या 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 तुमको दिया जी, देवी पूजा कर रहे हो। उनका आठ हाथ देखना, एक हाथ में माला है। एक दिन शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु हम किसके नाम जप करें? देवी स्वयं प्रश्न करती भोले बाबा को, शंकर जी स्वयं बोले, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरामी। माँ पार्वती बड़ी सुंदर थी, बोले देखो पार्वती, 1000 जो विष्णु नाम करेगा, एक बार राम नाम करने से वही फल मिलेगा। तभी से माता पार्वती आठ हाथ में देखना माला है, प्रभु की माला जप करती है। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, वो पंचमुख में प्रभु का नाम ही जप करते दिन भर। तभी इनके घर घर में पूजा हो रही है। हमारी मैया की मैया की मैया की पूजा दुनिया करता है कोई? नहीं करते हैं, लेकिन मीरा की पूजा करती है। बोले क्यों? भगवान की भजन करती थी। अगर जगत में सबसे अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन अभी के जो छोरा छोरी है ना, कहते बॉलीवुड में सब हम हीरो हीरोइन बन गए सब, इनकी बड़ी इच्छा है। 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन दुनिया में काम का नाम सब खत्म हो गया, हाँ मर गया तो खत्म हो गया। लेकिन हनुमान का नाम देखो, ध्रुव जी का नाम देखो, तुलसीदास जी का नाम देखो, जगत में अमर हो गए ना। अगर जगत में अमर बनना चाहते तो तुलसीदास बन जाओ, हनुमान जी बन जाओ, लेकिन बनोगे इसे प्रभु का भजन करो तो तभी तो बनोगे ना। ठीक है, सवेरे जब तक एक माला नहीं करना तब तक खाना नहीं खाना, ये बच्चों को नियम बना दो। जब तक एक माला नहीं करेंगे ना, इनको खाना नहीं देना। बोले बच्चों एक प्रभु का नाम जप कर माला कर तो खाना खाओ, ठीक है बच्चे, नियम बना देना। और भगवान का एक नाम करोगे ना, देखना पढ़ाई में मन लगेगा, एकदम क्लास में फर्स्ट आओगे। जितने प्रभु का नाम जप करोगे भगवान का आशीर्वाद से, बुद्धि देने वाले यही है, ठाकुर भी बुद्धि देते हैं, और बुद्धि देने वाले कोई नहीं, ठाकुर देने वाले। ठीक है, सबके सब हरि नाम करो। प्याज लहसुन नहीं खाना, नहीं खाना, इधर उधर जाकर लो प्याज लहसुन नहीं खाना। जैसे नवरात्रि आई ना, कोई प्याज लहसुन खाते हो? कोई कोई नहीं खा रहे ना, है किस लिए? माता जी को पसंद नहीं, तब तो नहीं खा रहे हो। ऐसे नहीं नौ दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा शुरू कर दो, ठीक है ना। दुर्गा दुर्गा मुर्गा मुर्गा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और गले में सबने सब तुलसी कंठी पहनो, ये तुलसी कंठी सख्यात लक्ष्मी माँ लक्ष्मी है, भगवान की निवास है। जब कह रहे जिसको गले में तुलसी कंठी, कभी नर्क नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारी मेडिसिन तुलसी कंठी में, जैसे कोरोना आ रही ना, है रामदेव बाबा ने दवा निकाली कोरोना लिख देता ना, तुलसी दल से तुलसी के रस जूस से निकाले, गले में कंठी रहेगा तो बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सब तिलक लगाओ, तिलक लगाना, माला जप करना और कंठी, बस ये तीन चीज को ठीक करो, सीधा ठाकुर के पास में जाओ, हाँ भगवान के पास में, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। कंठी है कि नहीं तुम्हारी? हाँ कंठी नहीं उतारनी, कंठी तो है, कंठी है ना, सबके सब कंठी उतारना। कंठी कभी गले से नहीं उतरनी चाहिए, है नहीं तो फालतू कुत्ते बन जाएंगे। बोले गोविंद जय जय, क्या प्रसाद ले आओ, लाला जब माला नहीं तेरे पास, इसकी बीवी ने करते करते तोड़ दी। इसने बीवी ने, इसकी बीवी ये नहीं, हाँ है बीवी ने इसकी माला करते करते तोड़ दिया। सही बोलो, क्या हुआ तुम्हें? बुझाई करी, बोल दो, टूट गई किसकी? तुम्हारी इसकी बीवी है, तो वो तो करती है, हमें ये तो माला कर रही थी, ये तो बहुत अच्छी है। आप भी ऐसे होनी चाहिए, तो भगवान की भजन करे, पति को भगवान रख ले जाए। अभी तुम माला दो दूंगा, ठीक है ले लेना। बोले गो प्रसाद ले आओ, काली दीदी
बोले गोविंद एक होली गा दो नाच ले तुमको एक एक सब डायरेक्ट होली गा दो सब खड़े हो जाए एक बार नाच ले ब्रजते शोभा भाग की ब्रजते शोभा भाग भाग मिले ब्रजते तबे पढ़े राग अनुराग गुलहोरी के रसिया की जय बरसानो धाम की जय 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 श्री राम चिंता छुप मत जइयो आज श्याम संग खेलो की होरी चिंता छुप मत जइयो आज श्याम संग होरी खेलो चिंता छुप मत जइयो आज श्याम संग राम मैं तो दुनिया में रोके